दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कुछ इस टाइप्स के नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा पे फोटो एडिट कैसे कर सकते हैं। ये रहा मेरा सिंपल पिक और ये एडिट किया हुआ के बाद तो आप सबको बता दें किस टॉपिक से फोटो एडिट करना था। अपने सिंपल फ़ोटो को शेयर कर लेना है पहले स्नैपशीट एप्लीकेशन में। मेरा स्नैपशीट एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ से टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, यहाँ से डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। यहाँ से एक आईडी इमेज के लोगो दिख जाएगा जो आपको दुर्गा माता का बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना क्रोम या पिंटरेस्ट से। तो चलिए मैं अपना बैकग्राउंड ले लेता हूँ। यहाँ से बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से ये वाला ऑप्शन पर आना है, शेयर के बगल इनपुट के बगल पर आना है और यहाँ से व्यू एडिट पर क्लिक कर करके यहाँ से डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पर आकर यहाँ पे एक ब्रश चूज कर लेनी है और यहाँ से ये आँख वाला लोगो है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से ना और यहाँ से अपने बैकग्राउंड के ऊपर कुछ इस तरह से अप्लाई करना है। इतना सब कुछ होने के बाद आप सबको शेयर कर लेना है अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। मेरा लाइटरूम में आने के बाद यहाँ से एक प्रीसेट ले लेनी है जो उस फोटो पर लगाना है। तो चलिए मैं अपना एक प्रीसेट ले लेता हूँ। यहाँ से थ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी सेटिंग कर लेनी है और यहाँ से सही टिक मारकर जो फोटो को पेस्ट करनी है यहाँ से ये वाला ऑप्शन पर आकर थ्री डॉट पर जाकर यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर लेनी है। यहाँ से सेव करके अपने फ़ोटो को ले जानी है टूल विज एप्लीकेशन में। यहाँ से शेयर कर देते हैं अपने फ़ोटो को टूल विज एप्लीकेशन में। टूल विज एप्लीकेशन में आने के बाद आप सबका फोटो कुछ इस टाइप से HD हाई क्वालिटी साफ हो जाएगा। यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और सैक्सेड सोप सैक्सेड पर क्लिक करके यहाँ से तीसरे नंबर को सिलेक्ट करके मास्क के ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपके हेयर के ऊपर कुछ इस तरह से अप्लाई करना है। ऑयल पेंट ये हो रहा है मेरा। यहाँ से सही वाला ऑप्शन पर क्लिक कर आप सबको शेयर कर लेना है अपने स्केचबुक एप्लीकेशन में जो मेन कामोशी में होता है। तो चलिए मैं अपना शेयर कर लेता हूँ अपने स्केचबुक एप्लीकेशन में। स्केचबुक एप्लीकेशन में आने के बाद आप सबको ये कौन सा ब्रश लेना है तो आप सबको ये वाला ब्रश लेना है। स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं कि फेस स्मूथ से HD हो तो आप सबको सेटिंग कुछ इस टाइप से रख लेनी है। साइज को आप अपने हिसाब से फॉलो को 6 और सक्सेस को 12। तो चलिए मैं अपना फेस के ऊपर कुछ इस तरह से जूम करता हूँ और कुछ इस तरह से ब्रश चलाकर स्मूथ करता हूँ। तो आप सब इसी तरह से करिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। हाँ, वीडियो को स्किप ना करें, आप सबको जो समझ में आ रहा है वो आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए मैं कुछ अपना वीडियो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। आप सबको ऐसे ही स्मूथ कर लेनी है दोनों हाथ से स्क्रॉल करके।
यहाँ से मेरे टोटल फेस स्मूथ होने के बाद आप सबको आ जाना है ब्रश वाले ऑप्शन पर। यहाँ से ये वाला ब्रश चूज कर लेना है, यहाँ से रेड सेलेक्ट करना है वोट के ऊपर कुछ इस टाइप से अप्लाई करने के लिए। तो चलिए आप सबको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एक लेयर ले लेनी है और इसको सॉफ्ट लाइट कर देना है और लेयर के ऊपर कुछ इस टाइप से करना है। मेरा होठ कुछ लाल हो गया, अपने साइज के हिसाब से ये मिला कर रख लीजिएगा। यहाँ से ऑल मैनेज कर रहे थे, यहाँ से आप सबको पीएनजी दुर्गा पूजा का पिंटरेस्ट अकाउंट गूगल से मिल जाएगा, या मेरा हर एक पीएनजी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए मैं एक कर को अपने पीएनजी को लगा लेता हूँ दुर्गा पूजा। ये रहा मेरा पीएनजी, तो चलिए मैं अपने इस पीएनजी को दुर्गा पूजा पे लगा लेता हूँ। ये मेरा हो गया पीएनजी दुर्गा पूजा। यहाँ से एक पीएनजी और लेने जो आप सबको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ से पीएनजी वाले ऑप्शन पर आना है, यहाँ से नवरात्रि वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से सही के टिक मार के यहाँ से इसको डार्किन कर देनी है। अब मेरा फोटो कुछ इस टाइप से इतना हाई एच डी फेस स्मूथ हाई क्वालिटी हो चुका है। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अगली कोई भी एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालो तब सबके पास तुरंत पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉच।